हेलो फ्रेंड, मैं हूं आपके साथ भाई एसपी सर। आज की क्लास में पढ़ने वाले मानव हृदय। मानव हृदय मतलब कि ऐसी कौन कौन सी भूमिका निभाता है और क्या ऐसी इसकी कारण बनता है कि मानव हृदय से रिलेटेड कई बार एग्जामों में प्रश्न पूछे जाते हैं, और इसी की क्लास में आज की जानने वाले हैं कि ऐसे कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं मानव हृदय से रिलेटेड। उसके बारे में तो आज जानेंगे कि बल्कि आज के बारे में ये भी जानने वाले हैं कि जो मनुष्य होता है, मनुष्य की ब्लड प्रेशर कितना होता है, ऐसे कौन से मशीन का यूज करते हैं जो मानव हृदय में की धड़कन की तेज को मतलब कि इसकी गति को मापा जाता है। यह भी आज की क्लास में जानने वाला है कि जो मानव हृदय ऐसी कौन सी भूमिका निभाता है कि जो शरीर में ब्लड एक स्थान से दूसरे स्थान तक चले जाता है और वो ऑक्सीजन का प्रवाह लगातार प्रतिदिन चलते रहता है, ऐसी क्या भूमिका निभाता है, उसी के बारे में आज की क्लास में हम लोग जानने वाले हैं। हमारे साथ बने रहिएगा ना। यही बताया है कि लिखा है कि मानव हृदय का सचित्र वर्णन के मतलब कि इसके चित्र के माध्यम से पूरी अच्छी तरह से समझाना और उसके बारे में बता देना, वही कहलाता है सचित्र वर्णन। आइए समझते हैं कि मानव हृदय ऐसी क्या भूमिका निभाता है जो कई बार एग्जामों में से प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए सबसे पहले जानते हैं मानव मतलब कि मानव के हृदय में सचित्र वर्णन के साथ हृदय जो होता है यह ब्लडों का क्या करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ठेलने का काम करता है। यही काम है कि पूरे संकुचन और प्रसरण करता है। क्या करता है? संकुचन करने के माध्यम से क्या करता है कि दबाता और लेता। लेने के मतलब कि शरीर से पूरे ब्लड को अपने जब स्टोर करता है, स्टोर करने के पश्चात फिर उसे देता है फेफड़ा में शुद्ध होने के पश्चात आता है हृदय में। अब फिर हृदय क्या करता है, इसे संकुचन करके पूरे शरीर में विदा करता है कि जाओ कोशिकाओं के पास जाओ, वहां से फिर कार्बन डाइऑक्साइड लाओ। ये शरीर में प्रक्रिया चलते रहती है, लगातार चलते रहती है। सो उसी के बारे में आज के जानने वाले हैं, क्लास में हमारे साथ बने रहिएगा। सुनिए, यहाँ पे हम लोग का होता है महाशिरा, यहाँ पे होता है पल्मोनरी धमनी, यहाँ पे होता है महाधमनी और यहाँ पे होता है पल्मोनरी धमनी। जो सचित्र वर्णन, अब ध्यान रखिएगा कि जो हम लोग का महाशिरा होता है, महाशिरा के माध्यम से ही हम लोग का जो ब्लड होता है इसमें प्रवेश द्वार होता है। मतलब कि जो महाशिरा होता है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड, मतलब कि जो मानव जो का जो ब्लड है पूरे शरीर का, तो पूरे शरीर से जब ब्लड आता है शिराओं के माध्यम से, मानव के शरीर में शिराओं के माध्यम से पूरे शरीर में ब्लड क्या करता है आता है, कहाँ आता है, हृदय में। और धमनी के माध्यम से पूरे शरीर में ब्लड जाने का करता है। अब क्वेश्चन पूछे कि धमनी का कार्य क्या है, शरीर में पूरे शरीर में ब्लड को ले जाने का काम करता है, जबकि जो शिरा होता है पूरे शरीर से ब्लड को ले आने का कार्य करता है। तो बता सकते हैं कि धमनी और शिरा क्या क्या रहता है, अवश्य बता देंगे, अब ध्यान दीजिएगा। उसी में हम लोग का होता है महाधमनी और महाशिरा और महाधमनी, इसके बारे में जानते हैं। जो महाशिरा होता है, शिराओं के समूह मतलब जो शिरा के समूह को एक जब बना दिया जाता है उसी को बोलते हैं महाशिरा। ऐसा में जब उसमें सब शिराओं को एक जगह एक पाइप में मतलब कि मिला दिया जाता है, वह उसके माध्यम से जो नस के माध्यम मतलब कि उसके माध्यम से शरीर हृदय में ब्लड आता है उसी को बोलते हैं महाशिरा। ऐसा में कि महाशिरा किसे कहते हैं, जो महाशिरा में होता है ऑक्सीजन युक्त ब्लड, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड इसमें क्या होता है प्रेस करता है। अब इसमें बता सकते हैं कि कार्बन डाई मतलब कि CO2 प्लस युक्त क्या होता है ब्लड इसमें प्रवेश करता है, क्या चीज में, महाशिरा में। आई जो हम लोग का जो हृदय होता है चार कोष्ठों में बटा होता है। ऊपर के भाग को बोलते हैं अलिंद, क्या बोलते हैं, ऊपर के जो भाग होता है हम इसको बोलते हैं अलिंद, क्या बोलते हैं, तो ऊपर के भाग को बोलते हैं अलिंद। और जो हम लोग का नीचे के जो भाग होता है क्या बोलते हैं, उसे निलय बोलते हैं। ऊपर के भाग को अलिंद, नीचे के भाग को निलय बोलते हैं। हृदय के ऊपरी भाग को क्या बोलते हैं, मतलब ऊपर के भाग को अलिंद बोलते हैं और नीचे के भाग को क्या बोलते हैं, निलय बोलते हैं। इसको बात को ध्यान रखिएगा। और जो हमारा हृदय होता है दो भागों में बटा होता है, एक भाग होता है बाया। इधर के जो हृदय होता है इसको बोलते हैं बाया हृदय, इधर के जो हृदय होते हैं इसको बोलते हैं दाया हृदय, इस बात को ध्यान रखिएगा। और जो हमारा जो दो अलिंद और दो निलय भी होता है, देखिए
ये जो हमारा होता है दाया नील होता है, क्या होता है दाया, सॉरी दाया अलिंद होता है, ऊपर के जो भाग होता है इसको बोलते हैं दाया अलिंद, क्या बोलते हैं इसको दाया अलिंद बोलते हैं, और जो निचले वाला जो भाग होता है इसको बोलते हैं दाया नील, इसको क्या बोलते हैं दाया नील। अब ध्यान दीजिएगा, अब जब इसको हम बोलते हैं ऊपर वाला भाग है इका होगा अलिंद होगा, जब ऊपर वाला भाग को क्या बोलते हैं अलिंद, तो ऊपर वाला भाग को बोलते हैं अलिंद, तो इधर के भाग तो बोल दिए दाया, तो इधर के भाग को क्या बोलेंगे बाया, इकर मतलब इका हो गया बाया अलिंद होगा ना। अब हो गया, अब इसी के नीचे मतलब कि बाया के नीचे, बाया अलिंद के नीचे क्या होता है बाया अलिंद नीले होता है, क्या होता है तो बाया नीले होता है। यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिए कि बाया नीले मतलब कि ऊपर होता है नीले अलिंद होता है, ऊपर क्या होता है अलिंद होता है, नीचे होता है नीले होता है। जब दाया नीले ऊपर होता है दाया, सॉरी दाया अलिंद ऊपर होता है, दाया नीले नीचे होता है, दाया अलिंद ऊपर दाया नीले नीचे। अब इधर देखिए बाया अलिंद ऊपर बाया नीले नीचे, बाया अलिंद ऊपर बाया नीले नीचे होता है, तो बाया नीले नीचे बाया बाया अलिंद ऊपर होता है, बाया मतलब लेफ्ट, बाया मतलब लेफ्ट, बाया मतलब लेफ्ट, दाया मतलब राइट, दाया मतलब राइट, राइट में दो मतलब कि इसमें दाया अलिंद होता है और दाया नीले भी होता है ना, समझ लीजिए इसको समझ लिए होंगे। अब इसके बारे में जानते हैं, अब ध्यान दीजिएगा, ये जो पहली जो परत होता है जो हमारे हृदय होता है, हृदय की परत होती है, मतलब ये जो पहली परत होता है जो ध्यान देख रहे हैं कि जो ब्लैक ब्लैक एंड व्हाइट होता ब्लैक ब्लैक जो चिन्ह पड़ा हुआ है ये इसको बोलते हैं हम लोग पहली परत, क्या बोलते हैं इसको तो पहली परत, ये जो पहली परत होता है इसको क्या बोलते हैं हम लोग ध्यान दीजिए पेरिकांडीय परत बोलते हैं, क्या बोलते हैं पेरिकांडीय परत, मतलब इसकी जो पहली परत होता है ये जो पहली लेयर दिखाई दे रहा है इस लेयर को क्या बोलते हैं पेरिकांडीय परत, हृदय की पहली परत को क्या बोलते हैं पेरिकांडीय परत। अब इसी के पेरिकांडीय परत के ही अंदर क्या होता है द्रव होता है, पेरिकांडीय द्रव होता है, क्या होता है पेरिकांडीय द्रव होता है, ये जो द्रव होता है हृदय को घाव लगने से बचाता है, हृदय क्यों घाव लगने से बचाता है, अब ध्यान दीजिएगा किसे बचाता है बताते हैं, जो हमारा हृदय है कोई क्या करता है कि धक से मारता है, बाय में मारता है, धीरे से मारता है, कोई तेज मारता है, हम इतना तेज मार रहे हैं अपने हृदय के पास मार रहे हैं ना, देखकर मतलब कि हृदय को घाव लगता होगा कि नहीं, नहीं लगता होगा, खूब बायु मारेंगे तब घाव लगेगा, क्या है इसके जो पेशी होता है मतलब कि बोल रहा है कि पेरिकांडीय परत होता है, पेरिकांडीय परत के खुद अंदर क्या होता है पेरिकांडीय द्रव होता है, अब इस द्रव जो होता है घावों को अवशोषित करता है, उसी के बाद पहली परत क्या है पेरिकांडीय परत, इतना ही मजबूत होता है, इतना ही मजबूत होता है, और उसी के अंदर फिर क्या पाया जा रहा है द्रव। अब अगर मान लीजिए खूब बायु मारे तो यहाँ तक पेरिकांडीय परत तक जाएगा इसका का घाव, फिर वहां अगर मान लीजिए खूब व्यायाम मारे हैं तो द्रव तक जाएगा, फिर हृदय तक चौक जाएगा मतलब इसका घाव, एक मतलब कि कुछ टूट फूट जाएगा, इसलिए हृदय पर मारना नहीं है, यहाँ पे दिल पर मतलब हृदय का बोलते हैं दिल बोलता है, और जो लिप लफो वाला ना दिल होता है चोरबा वाला दिल को नहीं दिल, ये दिल मतलब हृदय जो पंपिंग करता है, ये ऐसा हमारे आकार का हृदय होता है ना, बोला जाता है कि शंकुकार आकार का होता है, जो हृदय होता है हम लोग का शंकुकार आकार की होता है। अभी जो पेरिकांडीय द्रव होता है अभी भी घाव लगने से बचाता है, मान लीजिए खूब बाय में मारे नहीं है यहाँ तक पर चौपा इसी के अंदर का पाया रहे पेरिकांडीय द्रव, अभी इससे बचा लेता है हृदय को, कहता है कि यार तू ना बच पाया तुम्हारे पास आ गया हमारे पास ना आएगा, कौन बोलता है पेरिकांडीय द्रव ना। अब इसी के ऊपर पाया जा रहा है हम लोग की जो कई हड्डियां भी पाया जाता है, क्या पाया जाता है चारों तरफ से भगवान जी बनाया है हमारे हृदय को, यहाँ पे पाया जा रहा है फेफड़ा, यहाँ पे हम लोग का है हृदय, इधर है फेफड़ा इधर है हृदय, अभी दोनों को सुरक्षित करना है कि नहीं, इसको तो सुरक्षित करना है, इधर फेफड़ा हो गया इधर हृदय हृदय हो गया, ये दोनों को सुरक्षित करना है, इससे में हमारा पेट हो गया तो इसको दबा दिए दब गया, हृदय को दबाएंगे फेफड़ा को दबाएंगे तो ये काम करेगा नाक करेगा, नहीं ना करेगा तो फिर काम करना बंद कर देगा, तो फिर हमको जीना भी मुश्किल हो जाएगा हैरान हो जाएगा, इसलिए भगवान जी भी क्या है तेज है, अब वो का कर दिए हैं कि पूरा एकदम हड्डी दे दिए हैं, इसके छाँचा तैयार करके एकदम हड्डी को ले जाके बैठा दिए हैं, अब बैठा देने के मतलब कि अब हृदय के और फेफड़ा को दोनों को घाव लगने से बचा लेता है, अब खूब मार रहे हैं इस पर तो घाव लगने से क्या हो रहा है बच रहा है, और खूब तेजी से मारेंगे
इसके पहली परत पे जाएगा, खूब तेजी से मारेंगे तो दूसरी मतलब की पेरिकांडियल द्रव के पास जाएगा और उतना तेजी से मार देंगे तो फिर तो मर ही जाएगा वो, है समझ में। तो क्या होता है कि मारता है, जब किसी व्यक्ति का हार्ट फेल हो जाता है उसको पीटा जाता है, मारा जाता है कि हृदय तक चौक जाए, हृदय तक चौक होकर सीधे के जो एसए नोड होता है ये काम करना चालू करे। हम एसए नोड बताएंगे, एसए नोड क्या होता है, यहाँ पे लिखे हैं एवी नोड क्या होता है, सब के बारे में बताएंगे। एसए नोड तो जब जैसे ही चौक जाता है धड़कन मारेगा तेज तो चालू कर देगा काम अपना तुरंत, चलो हाँ जी गया, बोला जाता है जी गया, अब काम कर रहा है इसका हृदय ना, सबके बारे में जानेंगे। अब देखिए पहली परत होता है, अब इसी को बोलते हैं ऊपर के भाग को क्या बोलते हैं अलिंद, नीचे के भाग को निलय, याद रखिएगा ऊपर के भाग को क्या बोलते हैं अलिंद, नीचे के भाग को निलय बोलते हैं, ऊपर के भाग को अलिंद, नीचे के भाग को बोलते हैं, नीचे के भाग का बोलते हैं निलय बोलते हैं। यहाँ पे दीवानी का पाठ बिटी है, दीवानी का पाठ ना देखिएगा। अब हो गया ये जो हम लोग का जो निकला होता है, देखिए हमारा हम लोग का ये जो बिंदु जैसा दिखाई दे रहा है आकार, ई बोलते हैं इसको एसए नोड बोलते हैं, क्या बोलते हैं एसए नोड। आप बोलिएगा कि सर एसए नोड क्या कहलाता है, एसए नोड क्या कहलाता है, तो आइए समझते हैं एसए नोड क्या कहलाता है। एसए नोड मतलब होता है साइनो एट्रियल, क्या होता है एसए नोड के मतलब साइनो एट्रियल, एसए नोड के मतलब साइनो एट्रियल। अब इसी के नीचे क्या होता है एवी नोड, इसी के नीचे क्या हो रहा है कि नहीं एवी नोड, अब इसको क्या बोलते हैं एवी नोड, इसको बोलते हैं हम लोग एवी नोड। अब एवी नोड को बोलते हैं एडिनो वर्टिकल, सॉरी एडिनो का बोलते हैं एडिनो वर्टिकल बोलते हैं, नीचे वाले भाग को क्या बोलते हैं एडिनो वर्टिकल, ऊपर वाले भाग को क्या बोलते हैं साइनो एट्रियल, क्या बोलते हैं साइनो एट्रियल ना, नीचे वाले भाग को बोलते हैं एडिनो वर्टिकल, बोलते हैं एट्रियल वर्टिकल ना, नीचे वाले भाग को बोलते हैं एवी को बोलते हैं एट्रियो वर्टिकल ना वर्टिकल। अब ध्यान दीजिएगा, अब इसको बाद इसका जो कार्य होता है एसए नोड का जो कार्य होता है, हम लोग को बताते हैं कि एसए नोड का जो कार्य होता है यह विद्युत विभव देता है, कहता है विद्युत विभव देता है, सीधे कहता है हम लोग को कि विद्युत विभव देता है ना, ये सीधे देता है विद्युत विभव। अब विद्युत विभव इतना तेज निकलता है यहां से, कहां से एसए नोड, एसए नोड से क्या होता है कि विद्युत विभव एकदम खूब तेजी से निकलता है और निकलने के माध्यम से इसको बोलते हैं छोटा हृदय के नाम से भी जानते हैं, क्या बोलते हैं छोटा पेसमेकर, क्या बोलते हैं इसे छोटा पेसमेकर। ये जो एसए नोड इतना पावरफुल है यह विद्युत विभव निकलता है और सभी विद्युत विभव को जब एक साथ मिला दिया जाता है एक बल्ब का विकास उस पर जला सकते हैं, हम अपने हृदय से एक बल्ब का विकास कर सकते हैं, जला सकते हैं, मतलब कि छोटे 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 पार्टिकल के रूप में एसए नोड विद्युत विभव का करता है उत्पन्न करता है। इसी को बोलते हैं कि छोटा पेसमेकर, मतलब हृदय बोलते हैं, क्या बोलते हैं पेसमेकर छोटा हृदय, इसी को बोलते हैं, इसको कह सकते हैं कि छोटा पेसमेकर हृदय। अब ध्यान दीजिएगा ना, अब ये जो एसए नोड विद्युत विभव निकालता है, ये जो एवी नोड को देता है, अब एवी नोड हो गया, अब एवी नोड से सीधे कहां आता है पुरकिंजे फाइबर, ये जो हम लोग का जो तीर की जैसा दिखाई दे रहा है, देखो दिखाई दे रहा है ना, इसको बोलते हैं पुरकिंजे फाइबर। ये क्या है हम लोग का पुरकिंजे फाइबर, जो संवेदनशील होता है, क्या होता है संवेदनशील, हृदय को जगाने के कारण ये जो हमारा एसए नोड हुआ यह हृदय को जगाता है। कभी काल व्यक्ति का क्या हो जाता है कि बोला जाता है कि हृदय में पेसमेकर लगा हुआ है, सुने हैं कि नहीं, हृदय का बोला जाता है कि ऑपरेशन हुआ है उनका, कभी गांव में सुने हो कि उन व्यक्ति का हृदय का क्या हुआ है ऑपरेशन हुआ है, मतलब कि हृदय काम नहीं कर रहा था उनका क्या हुआ है ऑपरेशन हुआ है। जब ऑपरेशन होता है तो उसमें एक पेसमेकर का यूज किया जाता है, क्या बोलते हैं पेसमेकर का यूज किया जाता है पेसमेकर। ये जो पेसमेकर जो होता है ऐसा होता है, कैसा होता है ऐसा होता है, ऐसे तार निकलना होता है ना, यही तार निकल कर सीधे कहां आता है एसए नोड, सॉरी एवी नोड, एवी नोड से सीधे कहां आता है पुरकिंजे फाइबर। ये जो होता है बैटरी पर काम करता है, जो पेसमेकर जो होता है पेसमेकर, क्या तो पेसमेकर जो होता है क्या चीज पर कार्य करता है पेसमेकर ना, बैटरी पर कार्य करता है पेसमेकर, बैटरी पर कार्य करता है, बैटरी पर कार्य करता है यही पेसमेकर जो होता है, बैटरी पर कार्य करता है, इतना छोटा प्रकार का होता है, तार निकला होता है सीधे जुड़ा होता है एवी नोड, एवी नोड से सीधे
पुरकिंजे फाइबर ना, पुरकिंजे फाइबर से जुड़ा होता है। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो इतना पावरफुल होता है, जब हृदय सोने लगता है, काम करना जब बंद करता है, तो तुरंत ताक से मारता है कौन, पेसमेकर। चल जा, सुना है तुमको, दिन भर भर कर काम करना है, एकदम दिन भर भर कर काम करना है, किसको, हृदय को। अब जैसे ही सुता है कौन, हृदय, तो तुरंत मारेगा पेसमेकर, मारेगा तुरंत चड़ाक से मारता है। चल जाग 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 जाग, तुमको सोने नहीं देना है। कौन कहता है, पेसमेकर। आज पेसमेकर है, इसी को बोलते हैं, बोले है ना कि ऐसे लोग क्या बोलते हैं, साइनो एट्रियल। यही जो साइनो एट्रियल को बोलते हैं छोटा हृदय, मतलब कि पेसमेकर। इसको जगाने का करता है, किसको, हृदय को जगाने का करता है। इतना करंट पावरफुल विद्युत विभव उत्पन्न करता है, जब सूत जाएगा हृदय तो तुरंत चड़ाक से एकदम तेज में देता है, क्या, पेसमेकर विद्युत विभव देता है। जैसे ही देगा तो धड़कन का मुख करता है, और धड़कता है तो सीधे देता है, कहाँ आता है, एवी नोड, एवी नोड के माध्यम से सीधे आता है पुरकिंजे फाइबर। आप पुरकिंजे फाइबर को बोलता है कि चलो संकुचन करो, नीचे क्या पाया जा रहा है, निलय। संकुचन के मतलब तो हृदय को क्या करना, पंपिंग करना, वही क्या कहलाता है, संकुचन। हृदय जब पंपिंग कर रहा है तो ब्लड क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है, तो संकुचन, संकुचन करने से हृदय क्या हो रहा है, पंपिंग कर रहा है। अब विद्युत विभव उत्पन्न कौन कर रहा है, एसे नोड। अगर एसे नोड नहीं रहता तो इसको संदेश देगा कि तू पंपिंग करो, नहीं देता ना तो सूख जाता। पंपिंग नहीं होगा तो शरीर में ब्लड नहीं जाएगा, ब्लड नहीं जाएगा तो चारों तरफ रक्त जम जाएगा, जम जाएगा तो व्यक्ति की मौत हो सकती है। तो इसलिए पुरकिंजो फाइबर को काम करना अति आवश्यक है। जब काम करेगा कब, जब यहाँ से विद्युत विभव आएगा इलेक्ट्रिक यहाँ पे, तो अभी बोलता है कि अरे, किसको बोलता है, नीले को बोलता है, चलो काम करो, तुरंत मारता है प्रेशर से। जब प्रेशर से मारेगा तो ब्लड तुरंत निकल के पूरे शरीर में प्रेस करता है। अब ध्यान दीजिए कैसे होता है ना। अब यहाँ से हम लोग जान लिए, यहाँ पे होता है द्विवलनी कपाट। ये क्या होता है, द्विवलनी कपाट के बारे में जानेंगे, अभी जानेंगे द्विवलनी कपाट। ये क्या होता है कि ब्लड सीधे फेफड़ा से होते हुए आता है, तो फेफड़ा से होते हुए आता है तो किसके माध्यम से आता है, पल्मोनरी सीरा के माध्यम से। पल्मोनरी जब सीरा से आता है तो द्विवलनी कपाट, द्विवलनी कपाट से आता है तो बाया नीले में आता है ना। अभी इसी के बारे में जान रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो इसको जान लिए कि महाशिरा क्या कहलाता है ना। अब इसकी सब संरचना के बारे में जान लिए, सबकी परत, मतलब की जो पहली परत होता है क्या बोलते हैं, पेरिकांडीय परत। क्या बोलते हैं, पेरिकांडीय, मतलब की पेरिकांडीय परत। बोलेगा कि हृदय की, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि हृदय की पहली परत को क्या बोलते हैं, पेरिकांडीय परत। क्या बोलते हैं, पेरिकांडीय परत। उसी के अंदर एक द्रव पाया जाता है, उसको बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, पेरिकांडीय द्रव। क्या बोलते हैं उसे, पेरिकांडीय द्रव। अब यहाँ से क्वेश्चन नहीं छूटेगा, अब ध्यान दीजिएगा। अब बोलेगा कि हृदय के ऊपरी भाग को क्या बोलते हैं, तो नीले बोलते हैं। हृदय के ऊपरी भाग को क्या बोलते हैं, नीले बोलते हैं। हृदय के निचले भाग को क्या बोलते हैं, सॉरी हृदय के ऊपरी भाग को क्या बोलते हैं, अलिंद बोलते हैं। हृदय के ऊपरी भाग को अलिंद बोलते हैं। हृदय के निचले भाग को क्या बोलते हैं, नीले बोलते हैं। हृदय के ऊपरी भाग को क्या बोलते हैं, अलिंद। हृदय के निचले भाग को नीले बोलते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा आपसे, पूछेगा कि हृदय में कोष्ठकों की संख्या कितना होता है, हृदय में कोष्ठकों की संख्या कितना होता है, तो क्या बताइएगा, चार। चार हो रहा है कि नहीं, एक बाया दाया अलिंद, एक बाया अलिंद, एक दाया नीले, एक बाया नीले, चार हुआ, एक दो तीन चार, चार हो गया ना। आप पूछे कोष्ठकों की संख्या कितना होता है, तो चार बता सकते हैं ना। कई बार क्वेश्चन पूछता है कि हृदय में कोष्ठकों की संख्या, कोष्ठकों कष्टको अखंडित दे देता है कहीं पर, तो क्या बताइएगा कितना होता है, चार दे, कितना होता है, चार। ध्यान रखिएगा, अभी जो चार होता है, आप जो आता है महाशिरा, जो अलिंद का मतलब कि जो दाया अलिंद होता है, अब इसका कार्य क्या होता है, दाया नीलय के कार्य क्या होता है। अभी जो इधर होता है बाया अलिंद, बाया अलिंद के कौन कार्य होता है, और नीचे होता है बाया नीलय, इसका सब कार्य विधि के बारे में जानते हैं। अब ध्यान रखिएगा, शांति पूर्वक से ध्यान से सुनिएगा, आराम से देखना है, आराम से देखना है, मतलब किधर भी उधर तकना उकना नहीं है, आराम से देखना है और शांतिपूर्वक से सुनना है। अभी तक ग्लोबल साइंस स्टडी के साथ नहीं जुड़े हैं, देर किस बात की, अभी जुड़िए ग्लोबल साइंस स्टडी के साथ। अभी इसका पहले, इसी के पहले पोषण, श्वसन, पाचन, इस सब का वीडियो पड़ा हुआ है, जाकर प्लेलिस्ट में देख लीजिए। जब तक श्वसन,
पोषण पाचन की जब क्रियाएं की वीडियो नहीं देखिएगा तो हृदय को पढ़ना कोई जरूरी है समझ ही में ना है। क्या है कि हम पढ़ा चुके हैं स्वस्थ पोषण पढ़ा चुके हैं, तो पोषण से रिलेटेड हम लोग का क्या है पाचन, पाचन से पाचन के बाद क्या आता है हम लोग का श्वसन। अब जो श्वसन पढ़ लिया, अब श्वसन पर ही हम जाएंगे थोड़ा देर यहाँ पे जाएंगे, हम यहाँ पे बताएंगे यहाँ से पल्मोनरी धमनी के माध्यम से जाता है सिरा कहाँ, पल्मोनरी धमनी से सिरा कहाँ जाता है फेफड़ा में जाता है। तो फेफड़ा के बारे में मतलब कि श्वसन के बारे में कार्य विधि जानिएगा नहीं कि यह ऑक्सीजन मतलब कि जो ब्लड को किस तरह शुद्ध करता है, ऑक्सीजन ब्लड कैसे बनता है, कार्बन युक्त ब्लड कैसे आता है, इसके बारे में आप नहीं जानिएगा तो समझ में आएगा नहीं। इसीलिए उस वीडियो को देखकर फिर इस वीडियो को देख लीजिए, समझ में अब ध्यान पूर्वक से देखिएगा। अब हमारा जो शरीर है पूरे धमनी और सिराओं से जुड़ा हुआ है, जुड़ा हुआ है। जो धमनी का जो कार्य होता है हम लोग का समझा देते हैं, यहाँ पे लिखते हैं कि जो धमनी होता है एक होता है सिरा होता है नाउ, ये जो धमनी होता है शरीर में ब्लड को ले जाने का कार्य करता है। जो धमनी होता है पूरे शरीर में ब्लड को ले जाने का कार्य करता है, शरीर में ब्लड को ले जाने का कार्य कौन करता है धमनी, पूरे शरीर से ब्लड को ले आने का कार्य कौन करता है सिरा। अभी जो धमनी होता है ऑक्सीजन युक्त ब्लड को ले जाता है, क्या ले जाता है ऑक्सीजन युक्त ब्लड को ले जाता है। अभी जो सिरा होता है कार्बन डाई युक्त ब्लड को लाता है, क्या करता है लाता है, आई क्या करता है ले जाता है, क्या करता है ले जाता है, कहाँ ले जाता है तो पूरे माइक्रोकॉन्ड्रिया के पास, पूरे कोशिकाओं के पास, आई पूरे माइक्रोकॉन्ड्रिया कोशिकाओं से लेते लेकर सीधे कहाँ आता है हमारा महाशिरा के पास, महाशिरा के होते हुए कहाँ प्रवेश करता है बाया अलिंद, सॉरी दाया अलिंद में, कहाँ प्रवेश करता है दाया अलिंद में। सिराओं से होते हुए महाशिरा, अभी जो महाशिरा यहाँ पे था सिरा, सिराओं के एक समूह को महाशिरा कहते हैं। बहुत सारे हमारे शरीर में जिस प्रकार आप लोग देखते हैं कि ब्लू ब्लू नस दिखाई देती है उसी को बोलते हैं सिरा। अब इतना पतला पतला नस है यहाँ पे महाशिरा, आई सब नसों को जोड़कर एक रूप बना दिया जाता है उसी को बोलते हैं महाशिरा। आया समझ में कि महाशिरा किसे कहते हैं। अब इसी के माध्यम से शरीर के ब्लड आता है कार्बन डाई युक्त ब्लड, बोले हैं कि कार्बन डाई युक्त ब्लड कहाँ आता है दाया अलिंद में। दाया अलिंद में आने के बाद अब इस सीधे दाया अलिंद में ब्लड आ गया, अभी बोलता है हृदय कि हमको तो ऑक्सीजन युक्त ब्लड को प्रेशर मारना है और तू आ गया कार्बन डाई युक्त ब्लड। तब ब्लड बोलता है कि हम क्या करें, हमें तो माइक्रोकॉन्ड्रिया ने भेजा है, किसने भेजा है माइक्रोकॉन्ड्रिया ने भेजा है कि जाओ तुम हृदय के पास वहां से हमें ऑक्सीजन युक्त ब्लड लाओ। कौन बोलता है माइक्रोकॉन्ड्रिया कि ऑक्सीजन युक्त ब्लड ले आओ। अब ये बोल दिया कि हृदय तो हम हीमोग्लोबिन बोलता है कि हम तो हृदय के पास ले दिया कार्बन डाई युक्त ब्लड। अब वो बोला था कि जो ऑक्सीजन को माइक्रोकॉन्ड्रिया बोला था कि तुम जाओ ऑक्सीजन युक्त ब्लड ले आओ, किसको बोलता है हीमोग्लोबिन की, हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है तो रक्त में ना। अभी जो हीमोग्लोबिन से बोल देता है अब हीलो फेन कहता है कि तुम हेलो कार्बन डाई युक्त ब्लड ले जाके सीधे हृदय को दे देना, किसको दे देना माइक्रोकॉन्ड्रिया बोलता है कि कार्बन डाई युक्त ब्लड सीधे ले जाके हृदय को दे देना। अभी ले आके हीमोग्लोबिन सीधे हृदय को देता है मतलब कि दाया अलिंद को दे देता है। अब दाया अलिंद के पास अब जैसा ही आता है हृदय के पास तो हृदय कहता है कि हमारे पास कार्बन डाई युक्त ब्लड तो हम तो प्रेशर ही नहीं करते हैं। अभी कहता है कि अभी तुम्हें शुद्ध करने के लिए विदा करना पड़ेगा, कौन करता है हृदय। अभी इसे शुद्ध करने के लिए सीधे विदा करता है फेफड़ा के पास। अब देखिएगा अभी जो कार्बन डाई युक्त ब्लड होता है सीधे आता है त्रिवोणी कपाट के पास, किसके पास आता है त्रिवोणी कपाट के पास, यहीं से कार्बन डाई युक्त ब्लड सीधे आता है त्रिवोणी कपाट के पास। त्रिवोणी कपाट से सीधे आता है दाया नीले, कहाँ आता है दाया नीले के पास, सीधे कहाँ आता है दाया नीले। अभी जो दाया नीले में आता है इधर हो गया, क्या हो गया दाया नीले। अब इधर संकुचन करता है हृदय, संकुचन करता है, संकुचन देने का आवेदन कौन करता है तो एसे नोड। अब एसे नोड सीधे बोलता है एवी नोड को,
ए बी नोट सीधे विद्युत विभव को सीधे चौपाता है पुरकिंजे फाइबर, और पुरकिंजे फाइबर सीधे क्या करता है संकुचन करता है, संकुचन कर कर पल्मोनरी धमनी के माध्यम से, इसके माध्यम से तब पल्मोनरी धमनी के माध्यम से कहां चौंकता है तो फेफड़ा के पास, कहां चौंकता है तो फेफड़ा के पास ना। अब फेफड़ा से क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड चल जाता है फेफड़ा के पास, और फेफड़ा शुद्ध करता है कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड को, कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड को क्या करता है शुद्ध करता है। अभी शुद्ध किस तरह होता है इसके बारे में बता चुके हैं जब हम फेफड़ा आपको पढ़ाए हैं श्वसन, तो वहां पे जाकर देख लीजिए कि मनुष्य के में जो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड जो होता है ब्लड किस तरह शुद्ध होता है वहां से जाकर देख सकते हैं। अब यहां से शुद्ध जो सही होता है ब्लड, थोड़ा सा आपको जगह तो नहीं है लेकिन बता देते हैं ना, जगह तो नहीं है तो बता देते हैं हम आपको, आप देखिएगा ध्यान दीजिएगा यहीं पर हम बता देते हैं, पेसमेकर लिख लीजिएगा आप लोग, हम इसी पर बता देते हैं। मान लीजिए हम लोग का ही फेफड़ा हो गया ना, फेफड़ा के अंदर होता है वायु कोश, फेफड़ा के अंदर क्या होता है हम लोग का वायु कोश होता है ना, फेफड़े के अंदर होता है हम लोग का वायु कोश, फेफड़ा के अंदर क्या होता है वायु कोश होता है, इसको बोलते हैं फेफड़ा के अंदर होता है वायु ना। अब यहाँ से हम लोग का जो ब्लड आता है कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड प्लस ब्लड, इसमें क्या होता है प्रवेश करता है कहाँ वायु कोश के संबंध में, इसके परत निकाला होता है। अब ये जो वायु कोश होता है ऑक्सीजन को बटोर के रखा रहता है, क्या करता है ऑक्सीजन को बटोर के रखा रहता है, जैसे ही आता है यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड सीधे वायु कोश के परत में जैसे ही प्रवेश करता है तो यहाँ से क्या होता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है इसे सीधे दे देता है किसको वायु कोश को, और वायु कोश क्या करता है कि ऑक्सीजन को सीधे प्रवेश कर देता है किसमें ब्लड में, और जब यहाँ से जो ब्लड निकलता है ये जो ब्लड निकलता है ऑक्सीजन युक्त ब्लड, क्या निकलता है ऑक्सीजन युक्त ब्लड। अब ये जो ऑक्सीजन युक्त ब्लड होता है फेफड़ा कहता है कि हमारे पास तो इतना क्षमता नहीं है कि हम पूरे शरीर में विदा कर दे शुद्ध ब्लड को, अब ये जो ऑक्सीजन युक्त ब्लड हो गया ये शुद्ध हो गया, अब फेफड़ा बोलता है कि हमारे पास इतना क्षमता नहीं है कि पूरे शरीर में विदा करे, अब ये बोलता है ब्लड बोलता है मतलब कि हीमोग्लोबिन कहता है कि हमको हृदय भैया विदा किए हैं, बोले हैं कि तुम जाओ ब्लड को शुद्ध कर कर ले आओ, कौन बोलता है हृदय बोला है, हीमोग्लोबिन बोलता है फेफड़ा से बोलता है कि ठीक है हम तुमको कैसाऊ ठेल ठाल के क्या करते हैं कि हृदय तक चौपा देता है। अब ये जो महाधमनी सॉरी पल्मोनरी सिरा के माध्यम से फेफड़ा पल्मोनरी सिरा के माध्यम से ऑक्सीजन युक्त ब्लड को क्या करता है प्रवेश कर देता है हृदय के पास पहुंचा देता है, पहुंचाने का काम करता है सीरा, ले आने का करता है हृदय हीमोग्लोबिन, वहां उधर से ढकेल रहा है मतलब कि साधन देता है कि तुम चले जाओ आराम से चल जाना ना, कौन बोलता है फेफड़ा। अब पल्मोनरी सीरा के माध्यम से ब्लड कहाँ आता है बाया अलिंद में, अब बाया अलिंद में आता है ऑक्सीजन युक्त ब्लड, ये जो होता है शुद्ध ब्लड होता है। अब सही शुद्ध ब्लड होता है अब सीधे आता है द्विमलनिक कपाट के पास, क्या आता है द्विमलनिक कपाट के पास, ये जो द्विमलनिक कपाट होता है सीधे विदा करता है बाया अलिंद में, कहाँ विदा करता है ये हम लोग जो भाग हो गया बाया अलिंद, ये जो बाया अलिंद में क्या हो गया हम लोग का ऑक्सीजन युक्त ब्लड हो गया, क्या हो गया ऑक्सीजन युक्त ब्लड हो जाता है, इसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन युक्त, अब ऑक्सीजन युक्त ब्लड हो गया, अब इधर से सीधे संदेश दे रहा है एसए नोड विद्युत विभव निकाल रहा है, क्या निकाल रहा है छोटे छोटे पार्टिकल के रूप में विद्युत विभव निकाल रहा है, और सीधे दे रहा है ए भी नोड को, ए भी नोड सीधे चौपाएगा पुरकिंजे फाइबर, अभी जो पुरकिंजे फाइबर देगा सीधे संकुचन करता है किसको नीले को, मतलब बाया नीले और दाया नीले दोनों को संकुचन करता है, संकुचन करता है संकुचन करता है, तो ब्लड यहाँ से कहा निकलता है बाहर निकलता है, ब्लड यहाँ से सीधे बाहर निकलता है, और महाधमनी के माध्यम से, महाधमनी के माध्यम से पूरे शरीर में कहा पूरे शरीर में ऑक्सीजन युक्त ब्लड प्रवेश करता है, प्रवेश मतलब कि चला जाता है, तो आया समझ में कि हृदय किस तरह संकुचन करता है ब्लड को प्रेशर के माध्यम से जाता है। तो अब यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा
कि ब्लड एक मिनट, जो हृदय एक मिनट में कितने बार धड़कता है, तो 72 बार। याद रखिएगा कि जो हृदय होता है एक मिनट में कितना बार धड़कता है, तो 72 बार। याद रखिएगा ना, आप पूछिएगा कि हृदय की गति भी बताना पड़ेगा, कि जो ब्लड मार रहा है प्रेशर, ये जो ब्लड हो गया नीले हो गया, दाया जो नया दाया नीले और बाया नीले हो गया, आप इतना प्रेशर से मारता है कि ब्लड इतना तेजी से गति करता है पूरे शरीर में, इतना गति तेजी से करता है, 120 की तेजी से गति करता है, 120 की तेजी से गति करता है, इतना तेजी से करता है, 120 की प्रेशर से गति करता है पूरे शरीर में, और शरीर से आता है कितना में, 80 में। हम बताएंगे जब रक्त दाब, इसी में बताएंगे अभी इसी क्लास में, कि रक्त दाब हम जब समझाएंगे तो वहां पे बताएंगे इसका प्रेशर क्या होता है। हाई प्रेशर, कभी किसी व्यक्ति का हाई हो जाता है प्रेशर, कभी लो हो जाता है, नॉर्मल कितना होना चाहिए, लो कितना होना चाहिए और हाई कितना होना चाहिए, आज क्लास में आपको समझाएंगे और प्रैक्टिकल के माध्यम से समझाएंगे। ध्यान पूर्वक हमारे साथ बने रहिएगा ना। चलिए समझते हैं, आप लोग हृदय के पूरे संरचना को समझ लिए हैं, हृदय के सचित्र वर्णन को समझ चुके होंगे। अब इसके कुछ कार्य विधि के बारे में बताया गया है, उस पर भी थोड़ा जान लेते हैं। आया समझ में? इतना में कोई तो कन्फ्यूजन नहीं हुआ होगा आप लोग को, नहीं तो हुआ होगा, ध्यान पूर्वक से समझे होंगे, अच्छी तरह से समझे होंगे, आप जानते हैं इसके कार्य विधि के ना। अब चलिए जानते हैं, ये जो हम बताए थे वायु कोष, इसको हम बताए हुए पूरे अच्छी तरह से श्वसन में, वहां से जाकर देख सकते हैं, यहाँ पे आपको स्वयं समझाए हैं ना, इसलिए हम इसको मिटा देते हैं कि थोड़ा गंदा ना होके हमारे इसको समझने में साफ सुथरा रहना चाहिए ना। जो व्यक्ति इसको फोटो लेना चाहते हैं तो तुरंत इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिए, हम इसको पूरे समझाने जा रहे हैं। आई होप आप लोग स्क्रीन शॉट ले लिए होंगे, अब इसके बारे में हम समझाना चालू करते हैं। ध्यान दीजिएगा, अब जो हमारा जो हृदय होता है विशेष पेशी संरचना की बनी होती है, ये जो होता है हमारा हृदय विशेष पेशियों के निर्मित है, जिसे हृदय पेशी ऊतक कहते हैं। ये जो हमारा जो हृदय है विशेष पेशी ऊतक की बनी होती है, कोशिकाओं के समूह को क्या बोलते हैं, ऊतक। अब ये जो ऊतक की बनी होती है, कोशिकाओं के समूह से बनी होती है, इसे हृदय पेशी ऊतक कहते हैं। हृदय जीवन प्रयत्न कार्य करता है, मतलब कि जीवन भर कार्य करता है, हमारा हृदय जीवन भर कार्य करता है, हमारे रक्त के पंपिंग करते हुए पूरे शरीर तक पहुंचाता है। जो हमारा हृदय होता है पंपिंग कर पूरे शरीर तक पहुंचाता है। मान लीजिए हमारा यह हो गया यहाँ पे ब्रेन हो गया, पूरे नीचे हमारा हो गया पैर की अंगूठा, पूरा नीचे भाग हो गया। अब यहाँ पे हमारा हृदय है, खूब पंपिंग कर रहा है, खूब पंपिंग कर हृदय तक चौपा रहा है ब्लड को, ब्रेन तक सीधे पांव तक भी पहुंचा रहा है, इतना प्रेशर से मार रहा है, समझ जाओ ना। अब ध्यान देना, अब हमारा हृदय से महत्वपूर्ण बातें, अब हृदय से ऐसी कई महत्वपूर्ण बातें होता है जो कई बार एग्जामों में यहाँ से क्वेश्चन पूछता है और लोग छोड़कर आ जाते हैं, क्योंकि पढ़ते नहीं है, अच्छी तरह से पढ़ते नहीं है, क्योंकि वहाँ उनको ज्ञान नहीं मिल पाता है। तो इसलिए जिनको व्यक्ति को अगर अच्छी तरह से हृदय के बारे में नहीं पता है, तो जाइए ग्लोबल साइंस स्टडी पर, वहाँ से जाकर ऐसी कई श्वसन के बारे में, पोषण के बारे में, पाचन के बारे में और आज के हृदय के बारे में पूरी अच्छी तरह से जान चुके हैं। और ऐसा ही वीडियो देखने के लिए चले तुरंत जुड़ सकते हैं ग्लोबल साइंस स्टडी के साथ, ठीक है। और आपको अगर अच्छा लगे वीडियो तो अपने दोस्तों तक विदा करने में क्यों डराएंगे, तुरंत विदा कर दीजिएगा कि देखो यहाँ पे ग्लोबल साइंस स्टडी के पास अच्छी तरह से बेहतरीन तरह क्वालिटी के साथ बताया जा रहा है, तुरंत इसको क्या करना है, देखना है ना, ठीक है। आप ध्यान दीजिए कि हमारा हो गया हृदय से महत्वपूर्ण बातें, हो गया कि नहीं। आप बोल रहे हैं कि यह लगभग आप 280 से 350 ग्राम का होता है, हमारा जो हृदय होता है 280 से 350 ग्राम का होता है, लगभग कितना होता है 280 से 350 ग्राम का। अब क्वेश्चन पूछेगा कि हृदय का वजन कितना होता है 280 से 350 ग्राम का। अब यहाँ पे जो महिला होती है
महिलाओं में थोड़ा कम होता है। क्या होता है? थोड़ा इससे कम होता है। यहाँ पे लिखा है कि महिलाओं में थोड़ा कम होता है वजन, जो महिलाएं होती है इनमें थोड़ा कम होता है वजन। क्या चीज का? तो हृदय का। अब जो होता है हृदय, हृदय 12 मीटर क्या होता है, लंबा होता है, 12 सेंटीमीटर लंबा होता है, 9 सेंटीमीटर चौड़ा होता है, 6 सेंटीमीटर मोटा होता है। ऐसा समझ में ना? आप पूछेगा कि हृदय की लंबाई कितनी होती है, 12 सेंटीमीटर। आप पूछेगा कि मोटाई कितना होता है, तो 6 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितना होता है, तो 9 सेंटीमीटर। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा तो भूल जाइएगा, मार्क करिएगा कि नहीं, अवश्य मार्क करिएगा। अब हम लोग क्या आता है हृदय के बारे में, एकदम अच्छी तरह से समझिएगा, ध्यान दीजिएगा कि हृदय के बारे में। आप बोला है कि हृदय के कुल 4 कष्ट होते हैं, हम अभी बताए हुए हैं आप लोगों को, आराम से ध्यान पूर्वक से समझिएगा कि यहाँ पर बताए हुए कि नहीं। हृदय एक होता है दयालिंद, एक होता है बयालिंद, एक होता है दयानीले, एक होता है बयानीले। 4 को बताए हैं कि नहीं? यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हृदय के कुल 4 कष्ट होते हैं, तो बात सही है। इसमें 2 अलिंद और 2 नीले होता है, 2 अलिंद और 2 नीले होता है। एक बार बोल रहा है कि एक बार में हृदय धड़कने के लिए 72 ml रक्त को पूरे शरीर में यात्रा करता है। हमारा जो शरीर है, मान ली यहाँ से सीधे संकुचन हो रहा है नीले के माध्यम से, तो एक बार में जो ब्लड जाता है यहाँ से 70 ml ब्लड जाता है। कितना? 70 ml ब्लड जाता है पूरे शरीर में, 70 ml। अब यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि मानव हृदय में संकुचन करते समय कितने ब्लड का संकुचन होता है, तो बताइए कितना? 70 ml ब्लड। कितना? 70 ml ब्लड ना। आप बोल रहा है कि हृदय की धड़कन को मापने के लिए स्टेथोस्कोप का प्रयोग करते हैं। हृदय की जो धड़कन को मापने के लिए, इसकी गति कितना है उसको गति को मापने के लिए, मतलब कि हृदय की गति को मापने के लिए स्टेथोस्कोप का प्रयोग करते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं आला। कई बार देखे होंगे कि डॉक्टर लोग क्या करता है कि मुड़ी में लटका लेता है और 2 को निकाला होता है, कान में लगा लेता है, एक सीधे लगाता है हृदय के पास लगाता है ना। अब उसे चेक करता है कि हृदय कितने बार धड़कता है, हृदय कितने बार धड़कता है उसे चेक करके बताता है। 72 बार धड़क रहा है ना एक बार में। आप पूछेगा क्वेश्चन कि 1 मिनट में हृदय कितने बार धड़कता है, तो 1 मिनट में जो हम लोग का हृदय धड़कता है 1 मिनट में 72 बार। कितना? 72 बार। इस बात को याद रखिएगा, 1 मिनट में हृदय कितने बार धड़कता है, तो 72 बार ना, ध्यान दीजिएगा। आप बोला कि हृदय की गति को मापने के लिए स्टेथोस्कोप का प्रयोग करते हैं, मापते हैं नाड़ी की गति को। जो नाड़ी की जो गति होती है सीधे हृदय के संबंध में होता है। इसकी जो गति होता है 115 से 125 बार होता है। नाड़ी की जो गति होता है 115 से 125 होता है। आप बोले कि हृदय, आप देखिए ये जो महत्वपूर्ण बातें हुआ, कई बार एग्जामों में पूछे गए हैं, हम उन क्वेश्चन के बारे में हम आपको चर्चा करते हैं जो कई बार गवर्नमेंट एग्जाम, कई बार बोर्ड एग्जामों में पूछे गए प्रश्न के बारे में अध्ययन करते हैं। यह वीडियो उन व्यक्ति पढ़ सकते हैं जो कई गवर्नमेंट एग्जामों की तैयारी करते हैं, ऑल गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं। यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है कि हृदय में द्विवलनिक का पाठ क्या होता है। यहाँ से बीपीएससी पूछा हुआ है क्वेश्चन कि हृदय में द्विवलनिक का पाठ क्या होता है। द्विवलनिक का पाठ क्या कर रहा है? जो ऑक्सीजन युक्त ब्लड था सीधे आ रहा है द्विवलनिक का पाठ के पास, और द्विवलनिक का पाठ से सीधे आ रहा है नीले के पास। इसी का कार्य क्या है कि हृदय अलिंद से रक्त को नीले तक पहुंचाने की जो कार्य करता है द्विवलनिक का पाठ कहलाता है। ये ऑप्शन पूछा हुआ है क्वेश्चन, तो बता दीजिए कि नहीं, अब अवश्य बताएंगे। ये पीसीएसई यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है ना। आप बोल रहे हैं कि हृदय की गति को मापने के लिए, सॉरी ध्यान पूर्वक सुनिएगा, आप बोल रहे हैं कि हृदय, हमारा हृदय पंप करने के लिए सिकुड़ता है। अभी पता है कि जो हमारा हृदय पंप करने के लिए क्या करता है, सिकुड़ता है और फैलता है। सिकुड़ता और फैलता हो, जो हम लोग का हृदय होता है सिकुड़ता और फैलता है, पंपिंग करने के लिए करता है, सिकुड़ता और फैलता है। आ कौन इसको संदेश देता है, तो एसए नोड। क्या देगा? एसए नोड। इसको संकुचन करने के लिए और फैलने के लिए कौन आवेदन देता है, तो एसए नोड ना। आप ध्यान रखिएगा, फैलता है। इसे सिस्टोलिक तथा डिस्टोलिक के नाम से जानते हैं। आप जो हमारा हृदय है संकुचन करता है और फैलता है, तो इस विधि को क्या बोलते हैं,
डिस्टोलिक या सिस्टोलिक बोलते हैं। इस विधि को क्या बोलते हैं? डिस्टोलिक या सिस्टोलिक। यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि हृदय की संकुचन करने की विधि को क्या बोलते हैं, तो सिस्टोलिक और डिस्टोलिक बोलते हैं। सिस्टोलिक और डिस्टोलिक के नाम से जानती है। इसी के आधार पर रक्त दाब का निर्धारण होता है। यहाँ पे आ गया हम लोग का रक्त दाब। अब जानते हैं ये रक्त दाब कई व्यक्ति में कितने बार खूब सोचने लगता है तो उसके व्यक्ति का धड़कन तेज हो जाता है और कई व्यक्ति का लो हो जाता है। उसके बारे में जानेंगे कि व्यक्ति को लो कितना होना चाहिए, हाई कितना होना चाहिए और नॉर्मल कितना होना चाहिए, पूरी अच्छी तरह के आज की क्लास में जानने वाले हैं। नौ, हमारा जो रक्त दाब होता है हाई, मतलब कि हाई ब्लड प्रेशर, एक होता है नॉर्मल ब्लड प्रेशर, एक होता है लो ब्लड प्रेशर। अब रक्त दाब को एक होता है स्टेथोस्कोप, एक होता है स्पगैनोमीटर, स्पगैनोमीटर के बारे में भी जानेंगे और स्टेथोस्कोप, इसी के द्वारा ही हम क्या करते हैं रक्त दाब को क्या करते हैं जांच करते हैं। आप देखिए हम आपको एक ऐसी मशीन के बारे में जानेंगे जो रक्त दाब को बताने का कार्य करता है। ये जो स्पगैनोमीटर है, स्पगैनोमीटर, इसी के माध्यम से हम क्या करते हैं रक्त दाब को पता लगाते हैं कि हमारा रक्त दाब कितना प्रेशर से चल रहा है। आइए अब इसी के बारे में देखते हैं कि रक्त दाब हमारा किस मशीन के द्वारा मापा जाता है, उस मशीन के बारे में आइए हम अभी जानते हैं। हम आपको एग्जांपल के लिए कई प्रकार की मशीनें का भी यूज करना पड़ रहा है। देखिए तो यही जो हम लोग का मशीन है, यही मशीन जो है स्पगैनोमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पगैनोमीटर बोलते हैं ना, स्पगैनोमीटर। इसी में हम लोग क्या करते हैं लगा देते हैं इसको। जब इसको लगा देते हैं इसमें, ध्यान पूर्वक से देखिएगा, अब इसको व्यक्ति के हाथों में इसको पहना दिया जाता है। जिस व्यक्ति को मापना होता है हृदय, उस व्यक्ति के हाथ में क्या करते हैं इसको लगा देते हैं। जब इसे लगा देते हैं यहाँ से स्टार्टिंग स्टॉप दिया है, यहीं से स्टॉप होगा और यहीं से स्टार्टिंग। अब जैसे ही हम इसको चालू करेंगे तो हृदय की धड़कन को बताएगा इसका पर मिनट, मतलब कि कितना तेजी से धड़क रहा है। वही बोल रहा है कि यहाँ पे बताएगा कि एच मतलब हाई, बी मतलब ब्लड प्रेशर, बीपी मतलब ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर मतलब कि हाई ब्लड कितना होना चाहिए, लो ब्लड कितना होना चाहिए और नॉर्मल कितना होना चाहिए। अभी हम आपको बताते हैं कि जो हम लोग का जो हाई ब्लड प्रेशर चीज कितना होना चाहिए, 140/90 होना चाहिए पर mm Hg होना चाहिए, mm Hg होना चाहिए ना, कि जो मानव का जो हृदय की जो हाई जो प्रेशर होता है कितना होना चाहिए, 140/90 mm Hg। अब यहाँ पे नॉर्मल की बात करते हैं कि मनुष्य का नॉर्मल कितना होना चाहिए, तो 120/80 कितना होना चाहिए, 80, 120/80 होना चाहिए, 120/80 जी। आप कहिएगा कि सर 120 क्या कहा था, 180 अभी जानते हैं। और लो मतलब कि लो कितना पहुंच जाता है, तो 100/70, 100/70 ना, 70 mmHg। आप देखिएगा आप 100 होता है, 140 होता है 90। हम आपको बताए हैं यहाँ पे जो बता रहे थे कि जब ब्लड प्रेशर जो हो जाता है 120 के स्पीड से जाता है तो क्या है, नॉर्मल है। 120 की प्रेशर से जा रहा है, 80 के प्रेशर से आ रहा है, तो हमारा ब्लड प्रेशर क्या है, नॉर्मल है। का मतलब कि ठीक ठाक है, हमारा ब्लड प्रेशर ठीक ठाक है। अगर कोई व्यक्ति के 140 की स्पीड से जा रहा है और 90 की स्पीड से आ रहा है, एकर मतलब कि उस व्यक्ति को क्या हो गया है, हाई हो गया है उसका ब्लड प्रेशर। अगर जब कोई व्यक्ति का 100 के माध्यम से जा रहा है, का 100 के माध्यम से जा रहा है, 100 के प्रेशर से और 70 के प्रेशर से आ रहा है, एकर मतलब उस व्यक्ति का बीपी क्या हो गया है, लो हो गया है। आप देखिएगा अब हाई हो जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, लो हो जाता है तो क्या बोलते हैं। यहां से कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे गए हैं कि ब्लड प्रेशर की हाई के को क्या कहते हैं, तो हाइपर बोल रहे कि हाइपरटेंशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइपरटेंशन,
हाइपरटेंशन बोलते हैं। जब हाई होगा तो हाइपरटेंशन और जब लो होगा तो हाइपोटेंशन। जब लो हो जाता है तो हाइपोटेंशन, पूरा लो हो गई तो टेंशन हो गई, लो हो गई तो टेंशन हो गई, हाई हो गई तो हाइपरटेंशन, 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 अधिक हो गया तो हाइपरटेंशन, लो हो गया तो हाइपरटेंशन, हाइपोटेंशन, लो हो जाता है तो हाइपरटेंशन अधिक हो जाता है। तो इस बात को याद रखिएगा, अवश्य याद रखेंगे ना। आप देखिए MMHG क्या होता है, इसका मात्रक के रूप में होता है। कि जब देखिए हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं, अगर आप लोगों को दिखाई देता होगा, जब हम इसे स्टार्ट करेंगे तो इसके धड़कन को मापता है, सीधे क्या करता है कि धड़कन को मापने का कार्य करता है। आप देखिए जो चल रहा है धीरे धीरे, अभी पूरा चल रहा है, अब पूरा इसमें हवा और गैस भर रहा है, प्रफुल्ल रहा है, लेकिन हाथ में तो इसे लगाया नहीं जा रहा है, यह नहीं बता पाएगा, इसलिए इसे बताने के लिए हाथ में लगाना पड़ेगा। अब ये बोल दिया कि इरोर, मतलब कोई व्यक्ति इसमें लगाया नहीं है, इसलिए क्या हो गया, इरोर हो गया। अब इसे हम कटिस कर सकते हैं, आप लोग जब नापेंगे तो उसमें बताना होगा ना कि बताइएगा। आप देखिएगा यहाँ पे बोले हैं कि आप लोग की MM पर HG क्यों होता है। आप देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है MM पर HG, यहाँ पे आराम लिखा हुआ है, अगर आपको दिखाई देता होगा कि MMHG होता है, मतलब इसी का मात्रक बोल रहा है कि नहीं। हम जो बता रहे हैं कि MMHG मतलब 120 की MMHG के माध्यम से जाता है और 80 के MMHG के माध्यम से आता है। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा कि ब्लड प्रेशर को किस तरह मापते हैं। तो आप सही स्टार्ट करिएगा, इसको हाथ में पूरे अच्छी तरह से लगा लीजिएगा, जब इसे स्टार्ट करिएगा, जब इसको स्टार्ट करेगा तो पूरा चालू हो जाएगा, और कुछ मिनट के बाद इसे और बता देगा कि आपका ब्लड प्रेशर इतना है। आया समझ में, अब ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग जानते हैं कि ब्लड प्रेशर की मतलब कि दाब के बारे में जानेंगे। तो लो कितना होना चाहिए, 100/70, हाई कितना होना चाहिए, 140/90, और नॉर्मल मतलब कि स्वस्थ मनुष्य को कितना होना चाहिए, 120/80, ठीक है। आप बोलते हैं कि आप लोग कई बार एग्जामों में प्रश्न पूछे गए, इससे अधिक नहीं पूछता है, लेकिन आपको बताते हैं कि आप यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप बोल रहे हैं कि हमारा हृदय जब सामान्य होता है तो लब डब का आवाज निकालता है, जब हमारा हृदय समान रूप से संकुचन करता है तो लब डब का आवाज निकलता है। कैसा आवाज निकलता है, तो लब डब का आवाज निकलता है ना। जब हमारा हृदय खराब हो जाता है, क्या होता है, खराब हो जाता है तो मरमर की आवाज निकलता है, क्या चीज का, तो मरमर की आवाज निकलता है। जब हृदय क्या होता है, तो खराब हो जाता है तो मरमर की आवाज निकलता है, जब सामान्य रूप से आराम से चल रहा है तो लब डब, जब स्टेथोस्कोप जब आप लगाइएगा यहाँ पे, स्टेथोस्कोप जब लगाइएगा कान में, ऐसा ही लब डब की आवाज आता है, ऐसा में उससे आप गिन सकते हैं कि हृदय की धड़कन को। अब इसको समझ में आया हो कि जब अगर समान रूप से हृदय चल रहा है तो लब डब की आवाज आएगा, और जब खराब हो जाएगा तो मर की क्या आवाज आता है ना, याद रखिएगा इस चीज को ध्यान पूर्वक से। हमारा हृदय ऐसे नोड जब काम करना बंद हो जाता है तो इसे पेसमेकर प्लेयर कहते हैं, मतलब कि जब हमारा हृदय ऐसे नोड जब काम करना जब बंद करता है तो पेसमेकर हृदय का प्रयोग करते हैं, पेसमेकर फ्लेवर का हम लोग क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। हम आपको बताएं ना, यहाँ पे एक पेसमेकर फ्लेवर होता है, यही जो होता है पेसमेकर होता है। और जब किसी व्यक्ति का ऐसे नोड काम करना बंद करता है तो हृदय का धड़कन धड़केगा, यही संदेश दे रहा था हृदय को धड़कने के लिए, यही नहीं रहेगा तो फिर काम करेगा हृदय ना। इसलिए जब किसी व्यक्ति का हार्ट का ऑपरेशन होता है तो यही डाल दिया जाता है, क्या डाल दिया जाता है, पेसमेकर को डाल दिया जाता है। जब जब हृदय नींद मारेगा तब तब ही तवड़ाक से मरता है, तुरंत मरता है, चल जाग, तुरंत यहाँ से विद्युत विभव के फल से निकलता है, और इसका जो बैटरी पे चलता है, जो ऐसे नोड जो होता है, सॉरी पेसमेकर जो होता है, ऐसे नोड वही ऐसे नोड पेसमेकर जो होता है, कृत्रिम पेसमेकर इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जो कृत्रिम पेसमेकर जब हृदय में लगाया जाता है उसे बोलते हैं कृत्रिम पेसमेकर। जब इसे बैटरी पे चलता है, इसका कम से कम 10 साल 15 साल 5 साल जैसा पैसा लगाइएगा वैसा इसमें लगाया जाता है, मतलब कि व्यक्ति के ऊपर होता है कि वो व्यक्ति कैसे हैं, मतलब कि ढेर
एज में हो गया है या कम एज में है और कि ठीक ठाक है, तो उसी के माध्यम से लगता है और पैसा लगता है उसी के माध्यम से ना, तब ये बैटरी के माध्यम से लगता है उसका पैसा कि अगर 100 साल जाना है, 20 साल जाना है कि 15 साल जाना है कि 5 साल जाना है, उसी के माध्यम पे ना। अब ध्यान रखिएगा, हम लोग को जो इसके बारे में जो बताए थे हमारे एक वैज्ञानिक, महान वैज्ञानिक के आते हैं, अब जानेंगे इसी के द्वारा जो हम लोग का जो हृदय होता है संकुचन करता है। हमारे एक महान वैज्ञानिक थे, एक महान वैज्ञानिक के नाम क्या था, विल्सन। क्या नाम था, विल्सन ना, विल्सन ग्रेट बैच। क्या नाम था, विल्सन ग्रेट बैच। हमारे जो महान वैज्ञानिक थे ई ग्रेट बैच पेसमेकर के बारे में सबसे पहले बताए थे, कृत्रिम पेसमेकर के बारे में अगर बताने वाले थे, हृदय के बारे में बताने वाले थे, तो यही थे कृत्रिम पेसमेकर के बारे में बताने थे, विल्सन ग्रेट बैच ने बताए थे। किसने बताया था, विल्सन ग्रेट बैच ने यही सर्वप्रथम बताए थे कि हमारा हृदय पेसमेकर के माध्यम से अगर बदल दिया जाए तो हृदय पुनः कार्य करना चालू हो जाएगा। तो इन्होंने खोज किया था कृत्रिम पेसमेकर। क्या चीज का, कृत्रिम पेसमेकर। आप लोग नोट कर लीजिए इस चीज को कि कृत्रिम पेसमेकर की खोजकर्ता विल्सन ग्रेट बैच को बोलते हैं, विल्सन ग्रेट बैच को बोलते हैं ना। आप देखिए अगर कोई व्यक्ति तो अच्छी तरह से जितना जान चुके हैं वो गवर्नमेंट एग्जाम की जो व्यक्ति तैयारी करते हैं उनके लिए तो हो गया ना, हो गया। आप कोई व्यक्ति क्या होता है कि 10th क्लास में पढ़ता है या 12th क्लास में पढ़ता है, तो आप उन लोग को तो चाहिए लिखावट के रूप में, इतना तो हम लिखावट रूप दे दिए, इतना तो दे दिए पूरे हृदय से रिलेटेड। आप उन लोग में क्या पूछता है, सीधे बोर्ड एग्जाम का पूछता है, पूछेगा कि दया अलिंद का क्या है, सीधे दया अलिंद क्या है, महाशिरा क्या है, बाया अलिंद क्या है, पल्मोनरी शिरा क्या है, महाधमनी क्या है, पल्मोनरी शिरा पल्मोनरी धमनी क्या है, इसके बारे में पूछ देता है, देता है दो दो लाइन लिखने के फॉर्म देता है। तो उसी के बारे में उस उन व्यक्ति को लोगों को आज हम अभी बताएंगे और तुरंत बताएंगे। अब वो होता है कई भाग में होता है, सबसे पहले अगर हम जाते हैं तो महाशिरा के बारे में, क्या होता है महाशिरा, हम बताए हैं कि महाशिरा जब ब्लड को शरीर से अलिंद में लाने का जो कार्य करता है महाशिरा होता है। ये जो महाशिरा के पूरे शरीर महाशिरा के माध्यम से पूरे शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड को अलिंद में मतलब कि दया अलिंद में लाने का जो कार्य करता है वह क्या कहलाता है महाशिरा। हम इसको समझा चुके हैं, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, अच्छी तरह से लिखिएगा। अभी हम आपको समझा दिए और अभी लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए कि महाशिरा किसे कहते हैं। जब शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड लिख लीजिए, अभी बोलते हैं तो जब शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड महाशिरा के माध्यम से दया अलिंद में पहुंचता है, महाशिरा के माध्यम से दया अलिंद में पहुंचता है, तो महाशिरा हो गया। अब आता है महाधमनी, आपका आता है महाधमनी, लिखिए महाधमनी के माध्यम से ऑक्सीजन युक्त ब्लड पूरे शरीर में जाता है। हो गया महाधमनी। महाधमनी के माध्यम से ऑक्सीजन युक्त ब्लड पूरे शरीर में जाता है, जहां तक उम्मीद होगा कि आप लोग लिख लिए होंगे। आगे हम बोलते हैं पल्मोनरी धमनी, हम लोग का पल्मोनरी धमनी यहाँ था, पल्मोनरी धमनी यही ना है, आप जानते हैं पल्मोनरी धमनी के बारे में। अब लिखिएगा पल्मोनरी धमनी, 3 नंबर पे लिखिएगा पल्मोनरी धमनी ना। अभी जो पल्मोनरी धमनी संकुचन कर रहा है यह ऑक्सीजन युक्त ब्लड फेफड़े तक कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड फेफड़े तक चल पाता है। अब लिखिए पल्मोनरी धमनी दया नीले के संकुचन से
कार्बन डाइयुक्त ब्लड, मतलब की लिखिएगा कार्बन डाइयुक्त ब्लड, कार्बन डाइयुक्त ब्लड पल्मोनरी धमनी के माध्यम से, पल्मोनरी धमनी के माध्यम से फेफड़ा तक पहुंचता है, फेफड़ा तक पहुंचता है, फेफड़ा तक पहुंचता है। आई होप आप लोग लिख लिए होंगे, पल्मोनरी धमनी के माध्यम से फेफड़ा तक जाता है, हो गया। अब आता है पल्मोनरी सीरा, अब क्या आता है पल्मोनरी सीरा, यही ना है पल्मोनरी सीरा, लिखिए फेफड़ा से शुद्ध होकर ऑक्सीजन युक्त ब्लड, लिखिए फेफड़ा से शुद्ध होकर ऑक्सीजन युक्त ब्लड, फेफड़ा से शुद्ध होकर ऑक्सीजन युक्त ब्लड पल्मोनरी सीरा के माध्यम से, पल्मोनरी सीरा के माध्यम से फेफड़ा से ऑक्सीजन शुद्ध होकर पल्मोनरी सीरा के माध्यम से बाया अलिन में पहुंचता है, बाया अलिन में पहुंचता है, बाया अलिन में पहुंचता है। समझ लिए होंगे इसको जहां तक उम्मीद होगा। अब आता है दाया अलिंद, अब हम लोग का पारी आता है दाया अलिंद, यही ना हम लोग का है दाया अलिंद। अब लिखिए दाया अलिंद, दाया अलिंद हृदय का ऊपरी भाग है, दाया अलिंद लिखिए, दाया अलिंद हृदय का ऊपरी भाग है, दाया अलिंद हृदय का ऊपरी भाग है, इसमें कार्बन डाइयुक्त ब्लड, कार्बन डाइयुक्त ब्लड, कार्बन डाई ऑक्साइड युक्त ब्लड, युक्त ब्लड त्रिवलनिक कपाट के माध्यम से, त्रिवलनिक कपाट के माध्यम से दाया नील तक पहुंचाता है, कौन तो दाया नील ना, त्रिवलनिक कपाट के माध्यम से दाया नील तक पहुंचाता है, हो गया। अब आता है बाया अलिंद, अब इस लिख लीजिए, बाया अलिंद के बारे में बताते हैं तो लिख लीजिए ना, अभी जो बाया अलिंद होता है यही ना है हम लोग का बाया अलिंद, ठीक है, कि पल्मोनरी सीरा से ऑक्सीजन युक्त ब्लड, पल्मोनरी सीरा से ऑक्सीजन युक्त ब्लड, पल्मोनरी सीरा से ऑक्सीजन युक्त ब्लड द्विवलनिक कपाट से, द्विवलनिक पल्मोनरी सीरा से ऑक्सीजन युक्त ब्लड दयालिन में करें बायालिन में से द्विवलनिक कपाट तक, द्विवलनिक कपाट से दया बाया नीले तक पहुंचाता है, कौन बाया नीले, बाया नीले ऑक्सीजन युक्त ब्लड को द्विवलनिक कपाट के माध्यम से बाया अलिंद तक पहुंचाता है, बाया अलिंद ऑक्सीजन युक्त ब्लड को बाया द्विवलनिक कपाट के माध्यम से बाया अलिंद तक, बाया नीले तक पहुंचाता है, बाया नीले तक पहुंचाता है, बाया नीले है, हो गया, देख लिए होंगे जहां तक उम्मीद होगा आपको ना। अब होता है हम लोग का दाया अलिंद, अब आता है दाया अलिंद हो गया, बाया अलिंद हो गया, दाया अलिंद, बाया अलिंद, दाया नीले हो गई, यहाँ पे दाया नीले हो गई, इसको लिखिएगा दाया नीले ना, यही था हम लोग का दाया नीले, दाया नीले क्या था, यही था ना। आप देखिए दाया नीले के बारे में बताते हैं कि दाया नीले समझाते हैं कि जो दाया नीले संकुचन होकर, लिखिए कि दाया नीले संकुचन होकर, दाया नीले संकुचन होकर, दाया नीले संकुचन होकर कार्बन डाइयुक्त ब्लड को, कार्बन डाइयुक्त ब्लड को, कार्बन डाइयुक्त ब्लड को पल्मोनरी धमनी के माध्यम से फेफड़ा तक, पल्मोनरी धमनी के माध्यम से बाहर निकलता है, पल्मोनरी धमनी के माध्यम से बाहर निकलता है, कौन दाया नीले कार्बन डाइयुक्त ब्लड को, कार्बन डाइयुक्त ब्लड को पल्मोनरी धमनी के माध्यम से बाहर निकलता है, बाहर निकलता है मतलब फेफड़ा तक, फेफड़ा में जाने का आदेश देता है ना। अब आता है हम लोग का बाया नीले, लिखिए बाया नीले, बाया नीले यही है, इसके बारे में समझ लेते हैं ना, लिखिए बाया नीले,
लिख लीजिए, हो गया ना। अब देखिए बायानिले ऑक्सीजन युक्त ब्लड को, बायानिले ऑक्सीजन युक्त ब्लड को पूरे संकुचन होकर पूरे शरीर तक पहुंचाता है। बायानिले ऑक्सीजन युक्त ब्लड को संकुचन होकर पूरे शरीर तक पहुंचाता है, जाने का आदेश देता है ना। अब आता है पेरिकांडीय परत, यही हुआ पेरिकांडीय परत। हम लोग का पहली जो परत होता है पेरिकांडीय परत लिखिए। हृदय की पहली परत को, चाहे पहली झिल्ली को, हृदय की पहली परत या पहली झिल्ली को पेरिकांडीय परत बोलते हैं। हृदय की पहली परत को पेरिकांडीय परत बोलते हैं ना। अब आता है पेरिकांडीय द्रव, हृदय की पेरिकांडीय परत के ठीक अंदर पेरिकांडीय द्रव पाया जाता है ना। तो आप लोग हाई प्रोटीन जे फाइबर नहीं बताए हुए कि जो क्लास टेंथ हो गया चाहे ट्वेल्थ के जो विद्यार्थी हैं, इन लोगों में इतना बेसिक तक जाना कोई जरूरी नहीं है। ये सब पूछता उछता ना है, ये सब कई बार एग्जामों में नहीं पूछा हुआ है। हम वहाँ तक आप लोगों को बोलते हैं कि हम वहाँ से क्वेश्चन को उठा कर ले आते हैं जहाँ से गवर्नमेंट एग्जाम, बीपीएससी एग्जाम, यूपीएससी एग्जाम, चाहे ऑल स्टेट बोर्ड के एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों से वहाँ से उठा कर ले आते हैं। अभी तक तो इसके बारे में नहीं पूछा हुआ था, क्यों उस आपको जरूरी है इसके बारे में, प्रोटीन जे फाइबर के बारे में अभी पूछा हुआ है बीपीएससी यूपीएससी में। इसको देखिए कहाँ ही टेंथ ट्वेल्थ का सिलेबस बहु इंडिया का सबसे टॉप लेवल में पूछ रहा है, इंडिया के सबसे टॉप लेवल में पूछ रहा है। यूपीएससी सबसे टॉप लेवल गवर्नमेंट एग्जाम है, उससे अधिक कोई गवर्नमेंट एग्जाम नहीं है यूपीएससी से। उसमें यहाँ टेंथ ट्वेल्थ का सवाल सीधे पूछ रहा है, टेंथ क्लास का पूछ रहा है सबसे बड़े एग्जाम में यूपीएससी में, ये पढ़ना है टेंथ ट्वेल्थ में। हम आपको बता चुके हैं कि पुरकिंजर फाइबर अगर लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए पुरकिंजर फाइबर नीले को संकुचन होने का आदेश देता है। जो हमारा है जो नीले है, नीले को संकुचन करने का आदेश देता है कौन, पुरकिंजे फाइबर लिख लीजिए। पुरकिंजे फाइबर नीले को संकुचन करने का आदेश देता है, पुरकिंजे फाइबर नीले को संकुचन करने का आदेश देता है। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा कि हृदय से बहुत सारे रिलेटेड बारे की बात जान चुके ना, ठीक है। और ऐसा ही वीडियो देखना चाहते हैं तो जाइए ग्लोबल साइंस स्टडी के प्लेलिस्ट में, वहाँ पे ऐसे कई वीडियो पड़े हुए हैं, वहाँ से जाकर देख सकते हैं, ठीक है। और अच्छा लगे वीडियो तो कमेंट करना और लाइक करना ना भूलें। वीडियो अगर अच्छा लगे तो कमेंट करना और लाइक करना ना भूलें। आपकी एक कमेंट हमारे अगले वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है कि हमारे बच्चों को यह वीडियो किस तरह लगा, कैसा लगा। आपके पढ़ रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं, जब हम पढ़ा रहे हैं आपको अच्छी क्वालिटी के फॉर्म में बताएं कि नहीं। जब आप कमेंट नहीं करिएगा तो हमको कैसे पता चलिएगा। आपकी एक कमेंट से हमें यह पता चल जाता है कि आपको किस तरह समझ में आया है, आया होगा। अच्छा समझ में लगे तो अवश्य कमेंट करें। अगर जहाँ पे जिस टॉपिक को छोड़ चुके हैं उस टॉपिक का नाम लिख कर कमेंट में बताइए कि सर इस चीज़ को नहीं बताएं, फिर उसका हम एक और वीडियो बना देंगे, उस वहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है। और अच्छा लगे वीडियो तो कमेंट करना और लाइक करना और दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें, ठीक है। भाई एसपी सर तरफ से नमस्कार। हमारे स्वामीनंद विवेका जी ने कह कर गए हैं सपने वे नहीं
सपने वे नहीं जो रातों के नींदों में देखी जाती है, जो रात के नींदों में देखी जाती है। सपने वे होती है जो रात के नींदों को आने नहीं देती है। सपने वे होती है जो रात के नींदों को आने नहीं देती है। हमारे स्वामी विवेकानंद जी कहकर गए हैं। इसलिए सपने अपना बनाए हुए हैं, सपने बनाए हुए हैं तो रात को नींद न आने दे, ऐसे सपने को सोचिए। संघर्ष करने के मतलब कि इतना बड़ा मंजिल रखिएगा कि एक दिन आप अगर धरती छोड़कर भी जाए ना, तो पूरा लोग आपके लिए क्या तरस है कि एक व्यक्ति ऐसे धरती पर थे जो आज नहीं है। अपने नाम को बनाना सीखे, काम करिएगा तभी नाम बनेगा, काम करिएगा तभी नाम बनिएगा। अपने नाम को बनाना सीखे, नाम बनेगा कब, जब काम करेगा तब। इसलिए आज से मेहनत करना चालू करिए, अपने माँ बाप के सपने को साकार करिए। ठीक है, चलिए।